इस चैनल का पहला वीडियो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग बिजनेस करते हैं या तो फिर बिजनेस करना चाहते हैं, और उन लोग के लिए भी है जो लोग अकाउंट्स टैक्सेशन में काम कर रहे हैं या तो फिर करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैंने GST टिकट प्राइस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअल हम लोग को टिकट प्राइस कब करना पड़ता है और किस तरह प्रॉब्लम होने से हम लोग टिकट प्राइस कर सकते हैं GST पोर्टल के अंदर, आज इस वीडियो में सारी चीज बारीक से बताऊंगा, क्योंकि GST पोर्टल में एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और जिसके लिए हम लोग का परेशानियाँ बढ़ते जा रही है। आज इस वीडियो में मैंने GST के टिकट प्राइस कब किया जाता है, कब करना चाहिए और किस तरह प्रॉब्लम होने से हम लोग GST का टिकट प्राइस कर सकते हैं, सारे चीज़ बारीक से बताने वाला हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम संतोष और आप देख रहे हैं डिवाइन कुनार। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह जेन्युइन वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहले आप अपना गूगल ब्राउजर जो है उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च कीजिए GST टिकट प्राइस। जैसे आप सर्च करेंगे, ये जो पहला साइट आ रहा है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका जो साइट है selfservice.gstsystem.in, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप देखिए भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अभी चार ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो होम, दूसरा नंबर पे आ रहा है रिपोर्ट इशू, तीसरा नंबर पे चेक स्टेटस और चौथा नंबर पे आ रहा है फीडबैक। आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, रिपोर्ट इशू में क्लिक करना है। देखिए रिपोर्ट इशू में इसीलिए क्लिक करेंगे, अगर हम लोग पहले से अगर GST का टिकट राइज किए होंगे तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोग का पास होगा। हम लोग को इसको चेक स्टेटस में जाके उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के यहाँ पे आप अपना जो GST टिकट राइज किए होंगे उसको चेक कर सकते हैं। अगर नया कोई टिकट इशू करना है हम लोग को, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम लोग को कहीं पे एरर आ रहा है या तो फिर हम लोग जब सबमिट कर रहे हैं कुछ एरर आ रहा है, जो भी आ रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में सारे कुछ बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे रिपोर्ट इशू में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का बाद देखिए आपका सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट इशू और कंप्लेंट, और उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंसर्न डिटेल्स। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा है जो कि हम लोग को अपना जो क्वारी है उसको हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरा GSTR 3B में प्रॉब्लम है, 1 में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग क्वारी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ GST, और देखिए ये सारे कुछ मेरा सामने आ चुका है यहाँ पे, जिस तरह की हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी है, लेट फी है या अभी जो भी है। अब देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है GST ऑनलाइन फाइलिंग एरर, फाइलिंग विथ DSC और EBC, जैसे कि डिजिटल साइन और OTP के थ्रू हम लोग GST फाइलिंग करें, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो उसके लिए रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे टिकट प्राइस कर सकते हैं। और 1 में यहाँ पे उसके नीचे और एक GST 1 का आ रहा है, ऑनलाइन फाइलिंग इशू इन HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपका HSN कोड में कुछ ऑनलाइन जो फाइल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है या तो शो नहीं हो रहा है, HSN शो नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए भी टिकट प्राइस कर सकते हैं। देखिए GST 6 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एरर ड्यूरिंग फ्रॉम फाइलिंग, और GST MCA जो है एरर इन इनिशिएटिंग स्टेटस पोलिंग, जो यहाँ पे आप बहुत तरह के टिकट राइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सारे कुछ आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे GST लिखेंगे, इस GST की रिगार्डिंग जितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है पोर्टल में, आपको सारे चीज़ यहाँ पे एक एक करके दिख जाएगा। GST 9, 9G जो भी है, 1, 3B जो भी है, जो भी प्रॉब्लम जिस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रहा है आप यहाँ से उसी तरह की प्रॉब्लम उठा सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मैं कुछ भी उठा रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे 3B में इशू आ रहा है तो मैं 3B का ही यहाँ पे सर्च करूँगा। जैसे मैंने 3B लिख के सर्च किया, देखिए अभी यहाँ पे ये सारे ये जो बॉक्स है ये आ चुका है यहाँ पे सर्च बार जो है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको कौन से वही सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हम लोग पहले
सिलेक्ट करने का बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता, तो यहाँ पे मैंने मेरा हिसाब से नहीं आया, तो मैंने वहाँ पे जैसे सर्च किया उसी हिसाब से यहाँ पे आ चुका है। देखिए मैं रिटर्न GSTR थीबी जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सब कैटेगरी आ रहा है, सब कैटेगरी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, देखिए मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया GSTR थीबी, यानी कि मेरा GSTR थीबी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये सब कैटेगरी में आप लोग को सिलेक्ट करना है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। GSTR थीबी एरर वाइल सेविंग, मैं जब सेविंग करने जा रहा हूँ डाटा वहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो इस तरह की जो है मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ, या तो फिर जो भी है आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसी हिसाब से उसको ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ये GSTR थीबी एरर वाइल सेविंग जहाँ पे लिखा हुआ रहा है, जिस टाइम पे मैं डाटा सेव कर रहा हूँ उस टाइम पे एरर दिख रहा है मुझे, तो मैं अभी फिलहाल इसको ही सिलेक्ट करने रहने दूंगा। उसके बाद देखिए अभी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये जो फैक्यू लिखा हुआ आ रहा है उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इनकेस द FAQs डू नॉट हेल्प रिसॉल्व द इशू देन प्लीज सिलेक्ट द बटन नो I want to lodge my complaint, which will show the page to fill in the details to lodge the complaint. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर यहाँ पे कुछ ऑटो फिल हुआ कि नहीं आ रहा है, किस तरह की जो आपने जिस तरह की टिकट राइज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है येस और नो, आपको नो आई वांट टू लॉज माई कंप्लेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, देखिए अभी ये जो इंटरफेस है ये आपका सामने आ जाएगा, और मैं यहाँ पे अपना जो भी इशू आ रहा है मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए अपना GSTN में पहले डालूंगा। GSTN डालने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट नेम, यानी कि जो प्रोपराइटर होगा या तो फिर जो ओनर होंगे वहाँ पे। GST एक्चुअली पैन बेस पे रजिस्ट्रेशन होता है, जिन लोगों का पैन पे रजिस्ट्रेशन है तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए मान के चलिए यहाँ पे कोई पार्टनरशिप फार्म है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए GST नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपका फार्म का नाम जो है उसको आपको यहाँ पे नोट कर देना है। अगर आपका पार्टनरशिप फार्म है और वहाँ पे मान के चलिए 3-4 पार्टनर है, यहाँ पे सिर्फ फार्म के नाम लिखना है ना कि ओनर के नाम। ओनर के नाम तब लिखेंगे अगर प्रोप्राइटरशिप फार्म होगा तो आप ओनर के नाम लिख सकते हैं, वरना आप अपना फार्म के नाम यहाँ पे लिखिए। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ क्योंकि ये GST मेरा ही है। देखिए अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है आप उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है आपने जो रजिस्टर किया होगा GST पोर्टल में, आप उसी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर को दे सकते हैं। अगर आप मेरा जैसे मान के चलिए मेरा अगर अपना ना हो किसी और का हो, तो मान के चलिए मेरा कोई क्लाइंट का होता तो मैं यहाँ पे मेरा अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दे देता, क्योंकि मेरा क्लाइंट का डिटेल जब मुझे मेल पे आएगा तो मैं खुद यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, उनको पूछने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मेल पे आएगा यहाँ पे और ये मेल आईडी जो है वहाँ पे चेंज नहीं होगा। पर ये मैंडेटरी है, जबकि जहाँ पे रेड मार्किंग आ रहा है ये फील्ड कंपलसरी है। बाकी आप बाकी जगह पे आप अगर फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी चलेगा, पर जहाँ पे ये रेड मार्किंग आ रहा है ये जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो भी है और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है रिक्वेस्ट टू अपलोड रिलेवेंट JSON फाइल फॉर यू आर गेटिंग एरर अलॉन्ग विथ स्क्रीनशॉट टू हेल्प अस इन्वेस्टिगेट द एरर। देखिए जो जगह पे रेड मार्किंग आ रहा है या तो फिर स्टार मार्किंग आ रहा है तो ये फील्ड मैंडेटरी है। देखिए अभी यहाँ पे लिखा हो रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर स्क्रीनशॉट देंगे स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, आपको और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और आपका जो स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि जो एरर हम लोग जब ये फाइल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला पेज में फिलअप किया, तो उसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, क्योंकि वो लोग जब इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम किस तरह के आया था तो वो लोग वहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देना है। देखिए मैं अभी अपना मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे डालने के बाद अभी यहाँ पे देखिए प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपने इससे पहले कोई अगर टिकट राइज किया होगा तो आप यहाँ पे उसका नंबर जो है आप डाल सकते हैं, वरना आप ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए जो स्टार मार्किंग आ रहा है, जैसे कि स्टार मार्क दिखा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिफंड और रिटर्न पीरियड फॉर द फॉर व्हिच
इशू इज रिपोर्टेड, आप कौन सा पीरियड यानी कि किसी का, मान के चलिए किसी का क्वार्टरली रिटर्न होता है, किसी का मंथली रिटर्न होता है, तो आपका एग्जैक्ट पीरियड कौन सा था जिस पीरियड में आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं अभी जुलाई 2021 का यहाँ पे डाल रहा हूँ रिटर्न पीरियड, और मेरा जो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट सक्सेसफुल रिटर्न फाइल, आपका जब लास्ट टाइम रिटर्न फाइल किए थे आपका कौन सा रिटर्न फाइल लास्ट सक्सेसफुल हुआ था, जहाँ पे कुछ एरर के बगैर आपका रिटर्न फाइल सक्सेसफुल हुआ था। मान के चलिए मैं जुलाई का डाल रहा हूँ तो मेरा जून का ही सक्सेसफुल हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे जून 2021 डाल रहा हूँ। उसके बाद फाइल जो है आपका रिटर्न जो है नील था या फिर ट्रांजैक्शन था, यहाँ पे लिखा हो रहा है रिटर्न फॉर्म नील है या तो फिर नॉट एन नील रिटर्न, यानी कि आपका फाइल रिटर्न जो था वो नील रिटर्न कर रहे थे, या तो फिर आपको ट्रांजैक्शन था, आपको टैक्सेबल आपका था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं फिलहाल अभी इसको आप लोग को दिखाने के लिए ये नॉट ए नील रिटर्न यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल मेरा ट्रांजैक्शन था वहाँ पे। और रिटर्न टाइप देखिए यहाँ पे जो फिल करेंगे यहाँ पे सेम चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन यहाँ पे शो होगा जो रिटर्न टाइप और रिटर्न फॉर्म की जगह, तो आपको यहाँ पे नॉट ए नील रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एरर मैसेज क्या आ रहा था आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइल्ड सेविंग डाटा शोइंग एरर, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लिख दिया, और आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इशू डिस्क्रिप्शन इन 500 वर्ड्स, आप यहाँ पे 500 वर्ड के अंदर आपका जो इशू हुआ है आप उसको लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइप करने के लिए ऐसे ही थोड़ा अल्फाबेटिकल में कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जो इशू आया है आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। और लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे। कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट को आपको सेव करना पड़ेगा। देखिए स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप उसको देख सकते हैं। इससे 3-4 वीडियो पहले मैंने एक बनाया था कि एक्चुअल विंडोज में आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, 3 तरह के विंडोज का स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था, उस वीडियो का आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये वाला जो है स्क्रीनशॉट लिया था, मैं ये स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट जो है सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं कैप्चा भर दूंगा, और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे, अभी देखिए ये टिकट नंबर आ गया, टिकट नंबर ये जो नंबर है ये नंबर सक्सेसफुली जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग जो हस्बैंड, देखिए यहाँ पे क्या लिख क्या रहे हैं, टिकट नंबर दिस हैज बीन क्रिएटेड फॉर योर इशू एंड डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ या तो इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, या तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ये PDF में शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये PDF फॉर्मेट खोलूँगा आप देख सकते हैं। देखिए ये मेरा टिकट नंबर है, अभी ये टिकट नंबर जो है मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद वापस मैं उसी साइड में आऊँगा। आने के बाद टिकट स्टेटस जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इशू स्टेटस चेक टिकट, और इशू स्टेटस जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे मैं फेस करने के बाद यहाँ पे मैं कैप्चा भर दूँगा। जैसे मैं कैप्चा भर दूँगा उसके बाद मैंने सर्च पर क्लिक करूँगा। देखिए मैंने कैप्चा भर चुका हूँ, यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैंने सर्च बॉक्स में क्लिक किया यहाँ पे कुछ इनवैलिड कैप्चा दिखा रहा है, वापस मैं कैप्चा भर देता हूँ। देखिए वापस मैंने कैप्चा भर दिया, और अभी मैं सर्च बॉक्स में क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैंने सर्च बार में क्लिक किया वहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मेरा जो टिकट नंबर है जिस नंबर को मैंने कॉपी पेस्ट किया था ऊपर, उसके बाद कैप्चा भर के सर्च किया, वो टिकट नंबर के साथ साथ कौन से डेट को मैंने टिकट राइज किया था, और यहाँ पे GST जो है मेरा ये आ चुका है। और साथ साथ जो है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं साथ साथ जो है GST रिटर्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है GST रिटर्न का 3B के अंदर मैंने वो जो इशू आया था, तो ये मैंने डाटा जो इशू डाला था, इशू कैटेगरी जो डाला था, कैटेगरी ऑफ इशू जो डाला था वो आ चुका है। और यहाँ पे करंट फेज जो है एनालिसिस इन प्रोग्रेस यहाँ पे
मेरा इशू जो है टिकट राइज मैंने जिसके लिए किया था वो इन प्रोग्रेस है और टिकट स्टेटस जो है वो फोन है। देखिए ये जब टिकट स्टेटस क्लोज हो जाएगा तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा उस टाइम पे, तो आप उस हिसाब से अपना टिकट को आप जाके देख सकते हैं, स्टेटस वगैरह जो भी आप चेक वगैरह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नया वीडियो पे नया टॉपिक का साथ, तब तक के लिए जय हिंद।